तो भाई लोग कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे होंगे। देखो आज का वीडियो ना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके वीडियो पूरा देखना। बिकॉज यार देखो, अगर आप चाहते हो कि मूवी का रिमेक्स ना बने, आपको ओरिजिनल कंटेंट आपको हिंदी में देखने को मिलता रहे, एंड भाई अगर आपको जो असली असली जो चीज़ है, ओरिजिनल चीज़ है, वो आपको थिएटर में देखने को मिले, सो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखना। अच्छा देखो, मिस्टर खिलाड़ी आई मीन रवि तेजा सर, यार उनका मैं बिगेस्ट फैन हूँ। बिकॉज उनका जो स्टाइल है, उनका जो डांस करने का स्टाइल, डायलॉग बोलने का स्टाइल, मतलब हर एक जो उनका जो स्टाइल है ना, मेरे को इतना पर्सनली इतना इंप्रेस करता है ना, मतलब एकदम मजा आ जाता है। अच्छा देखो, बॉलीवुड में इतनी सारी जो मूवी रिमेक्स इस बंदे की हुई है कि आप पूछो मत। अच्छा राउडी राठौड़ जब मैंने देखी थी अक्षय कुमार की, मतलब वन ऑफ द बेस्ट मूवी जो अक्षय कुमार की मैंने देखी थी, एंड उसके बाद मेरे को कितने टाइम बाद पता चला कि भाई वो रवि तेजा सर की मूवी का रीमेक है राउडी राठौड़। मतलब इस बंदे की इतनी सारी मूवी बॉलीवुड में रीमेक हुई है कि उसका मतलब कोई हद ही नहीं है। अच्छा एक और मूवी है जिसका नाम है खिलाड़ी, वो खिलाड़ी मूवी अभी तो थिएटर में रिलीज भी नहीं हुई है, जब उसके टीजर आया था तब से मतलब बॉलीवुड में चर्चे की इस मूवी का भी रीमेक होने वाला है, मूवी का रीमेक करने वाले हैं सलमान खान। मतलब यार देखो इस कितनी मतलब खतरनाक डिमांड है उसकी बॉलीवुड में, एंड पूरे बॉलीवुड में नहीं, मतलब पूरे के पूरे हिंदी ऑडियंस में रवि तेजा सर को इतना पसंद करते हैं लोग। एंड रवि तेजा सर की जो आने वाली मूवी है जिसका नाम है खिलाड़ी, उसकी एक पैन इंडिया रिलीज की बातें चल रही है कि भाई वो जो मूवी है हिंदी में रिलीज की जाए थिएटर के अंदर। सो भाई प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि भाई इसके जो मेकर्स हैं, जिसके जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, जो हिंदी में इसको रिलीज करवाने वाले हिंदी को, हिंदी में पूरे इंडिया में, वो लोग पहले चाहते हैं कि भाई 2 से 3 दिन वेट करेंगे एंड लोगों का अंदर क्रेज देखेंगे, लोगों के अंदर क्रेज कितना है, उसके क्रेज को देखने के बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि भाई ये जो मूवी है जिसका नाम है खिलाड़ी, इसको हिंदी में रिलीज करना है नहीं करना है। सो भाई इस तरह से आप लोगों ने पुष्पा को ट्रेंड कराया था कि वी वांट पुष्पा द राइज इन हिंदी। सो भाई आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आपको हर मूवी को सपोर्ट करना है, इस मूवी को भी सपोर्ट करना है। सो भाई जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो रवि तेजा सर का फैन है, जो भी अल्लू अर्जुन का फैन है, जो भी साउथ मूवी का फैन है या बॉलीवुड का फैन है, प्लीज उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप जाओ इंस्टाग्राम यूज करते हो, ट्विटर यूज करते हो, या फिर कोई भी चीज यूज करते हो, वहां पर लिखो भाई वी वॉन्ट खिलाड़ी इन हिंदी। बिकॉज रवि तेजा सर की मूवी भी अगर हिंदी में लगेगी, थिएटर में लगेगी, तो एक अलग ही मजा आएगा। एंड जो भी अच्छी चीजें, अच्छा कंटेंट है यार, वो हमको देखना है। अब उसमें अल्लू अर्जुन हो, रॉकी भाई हो, या फिर रवि तेजा सर हो, महेश बाबू हो, मतलब यार जितना भी साउथ का जो अच्छा टैलेंट है, एंड साउथ के अंदर जो यार बेस्ट चीज है, उसको हम हिंदी में देखना मांगते हैं। सो भाई ये जो मूवी है जिसका नाम खिलाड़ी, अगर ये हिंदी में रिलीज नहीं है, तो डेफिनेटली इसका रीमेक बनेगा, एंड 110% बनेगा। सो भाई अगर आपको रीमेक से बचना है एंड आपको ओरिजिनल चीज ही देखनी है थिएटर में, सो भाई प्लीज आप जाओ ट्विटर पे लिखो, इंस्टाग्राम पे लिखो वी वांट खिलाड़ी इन हिंदी, मुझे तो पर्सनली देखनी है। सो भाई मैं तो इसी वीडियो से स्टार्टिंग कर रहा हूं, एंड मेरे को ये हिंदी में मांगता है, रवि तेजा सर को मेरे को देखना मांगता है थिएटर में। सो भाई एक अपडेट ठीक है भाई, इसका भी जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो देखना चाहते हैं, इसको हिंदी में रिलीज करवाना चाहते हैं, बस आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाना है। सो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाओ यार, एंड जाओ जाके मांगो अपनी जो एक बोलते हैं ना भाई, क्या बोलते हैं उसको यार, समझ नहीं आ रहा है, मतलब एक जैसे आपने पुष्पा के बारे में किया था आपका हक इसको हिंदी में देखने का, वैसे इसके ऊपर भी अपना हक जताओ कि भाई ये जो ओरिजिनल चीज़ हमको ओरिजिनली देखनी है हिंदी में थिएटर में। सो प्लीज़ जाओ इसको पोस्ट करो, इसको हैशटैग करो, हैशटैग लिखो वी वांट खिलाड़ी हिंदी। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड कमेंट करना, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।